कांग्रेस की हमेशा आदत रही है रेवड़िया बांटने की। आज के तारीख में भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बजट्स होते हैं, वो बजट से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन पे नहीं चलते कि हम क्या करेंगे। हर चीज़ के ऊपर आप देखेंगे, आज हमारा एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने कितना क्या कौन सी योजना लेकर चल रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर हमने आज 2.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पैसा बांट दिया। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे मैं बताया 11,11,11,11,111 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट एक फिगर दी गई है, वो इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। पूरे बजट के अंदर देश भर के अंदर किस किस कैटेगरी में कितना पैसा जाएगा वो डिस्कशन नहीं होता है। शायद कांग्रेस के जो नेतृत्व को पता नहीं होगा कि यहाँ पे आदतें नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स की अनाउंसमेंट अलग किस्म से चलती है, भारत सरकार के बजट्स की अनाउंसमेंट पॉलिसी आधारित ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होती है, और हर सेक्शन का उसमें वो पहले से दिया होता है कि इस सेक्शन में कितना पैसा खर्च होगा। आपको पता होगा पिछली बार भी मैंने कोई बात बताई थी, रेलवे के अंदर हमारे को अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, कहीं पर भी मेंशन नहीं था, वो पिंक पुंक में मेंशन होता है, पर अमान परिवर्तन के आज अपने जिले के अंदर 1,000 करोड़ से लगभग के काम चल रहे हैं, चूरू से सादलपुर और चूरू से रतनगढ़ 2,450 करोड़ के लगभग की योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं। वो बजट में कभी उनका नाम नहीं होता है, क्योंकि बजट पूरे स्टेट का, आजकल हम एक ही बजट लेके आते हैं कंट्री के अंदर, कितनी हमारी जीएसटी कलेक्शन हुई, आज हम जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गए हैं, तो वो फिगर्स हैं, वो पैसा है हमारी, कितनी हमारी आय आई और कितना हम देना चाहते हैं, हम कौन कौन से वर्क को दे रहे हैं। आज डिफेंस के अंदर हम 6 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट था, और डिफेंस तो आज कांग्रेस का पता भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट नहीं है, वो भारत सरकार का सब्जेक्ट है। तो उनका मेरे में इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट का पूरा हॉलिस्टिक बजट है और विजनरी डॉक्यूमेंट है, और पूरी मार्केट ने, पूरी इंडस्ट्री ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट किया है। एपीसी पे जो नहर है उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि ये केवल मात्र चुनावी मुद्दा है। देखिए, मैं हालांकि वो मेरे क्षेत्र से बिल्कुल संबंधित रखता नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डे वन से एक बात अपनी रखी है और पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने काम किया है। जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान में काम कभी नहीं होने दिया गया, तो कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं होने दिया। आज कांग्रेस के सरकार के दौरान 32% से ऊपर के हमारा काम वर्क कम्प्लीट नहीं हुआ है। 2024 के अंदर ये स्कीम बंद होने वाली थी, एग्जॉस्ट हो जाती। आज देश के अंदर कितने राज्य ऐसे हैं जो 100% काम कर चुके हैं, चूरू लोकसभा में 3,08,000 घरों को पीने का पानी देना है, आज हम 80,000 घरों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और 2024 में हम बैठे हुए हैं। राजगढ़ के अंदर और हमारे रतनगढ़ में, सुजानगढ़ के अंदर कार्य शुरू हुए हुए आज 3-3 साल हो गए, आज तारनगर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ही नहीं हुआ है 850 करोड़ रुपये का। तो इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम शुरुआत करिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मेरे एग्रीमेंट भी टाइप हुआ है, आगे की जो प्रोसीजर है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कोई अवश्य बताएगी। चूरू भाजपा में क्या सब कुछ सही है? क्योंकि हाल ही के एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि हमारे किसी तरह के कोई मतभेद या मनभेद नहीं है राजेंद्र राठौड़ के साथ। देखो, राजेंद्र जी के बारे में कोई भी बात मुझे इस बारे में कुछ बोलना नहीं, मुझे इतना ही कहना है भारतीय जनता पार्टी एक यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ेगी, और बहुत अच्छा हमने बीते हुए 5 साल और 10 साल के अंदर 2 कार्यकाल बहुत बेहतरीन दिए हैं, शानदार कार्यकाल दिए हैं, कभी भी हमने नेगेटिव न्यूज़ नहीं बनाई है, हमने हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ की बात करी है। और बीजेपी का जो इस टाइम माहौल देश भर में बना हुआ है, जो पॉजिटिविटी मोदी जी के नेतृत्व के रूप में है, कंट्री एक सेफ एंड सिक्योर और ग्रो कर रहा है मोदी जी नेतृत्व में, वो ऐसे हालातों में दोबारा से चूरू जिले की जनता, लोकसभा क्षेत्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, इतनी हम उम्मीद।